दस ले यार माशाल्लाह 10 मुर्गियां आ गई हैं हमारे पास। पहले हमारे पास एक मुर्गी भी नहीं थी, अब माशाल्लाह से 10 मुर्गियां आ गई हैं। तो ये देखें कि सारी तरफ मुर्गियां फैली हुई हैं। वो इसके अंदर रिक्शे के अंदर भी अभी मुझे नजर आई थी, कहाँ गई? नहीं है। बहुत ओए अंडा आ गया भाई, अंडा आ गया फार्म की मुर्गियाँ, क्योंकि तो भाई पहले से अंडों पे लगी हुई हैं, तो माशाल्लाह इन्होंने हमारे पास आगे अंडा भी दे दिया। पहला अंडा है हमारे पास मुर्गियों का, इससे पहले हमारे पास मुर्गियों का अंडा नहीं आया। आगे भी हैं, वाह जी वाह भाई, ले आओ इन्हें भाई, ले आओ माशाल्लाह, वाह जी वाह। इसका तो मैं ऑमलेट बना के खाऊंगा भाई, ऑमलेट बनेगा इसका ऑमलेट। एक और अंडा माशाल्लाह भाई, दो अंडे हो गए हैं हमारे पास। अच्छा वाला ऑमलेट बनेगा भाई, डबल जर्दी वाला ऑमलेट बनाएंगे हम अब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मनान मुर्गियों को बाहर निकाला है, क्योंकि गोदाम में चली गई है मुर्गी सारी। वो आगे भी हैं, सबको बाहर ले आ भाई, सबको बाहर ले आ। असल में मनान ने सुबह से मुर्गियां ला के रखी हुई हैं, तो यार मेरे ख्याल से और भी अंडे होंगे गोदाम में, तो हम लोग चेक करने वाले हैं कि भाई अगर कहीं अंडा और है तो हम उसे उठा लें और भाई जाके घर ऑमलेट बनाएंगे। मनान और समान अंडे ढूंढने लगे हैं। माशाल्लाह हमारी सारी मुर्गियां यहाँ पे आ गई हैं, 10 मुर्गियां और माशाल्लाह जी, और अंडा आ गया, और अंडा आ गया, वाह जी वाह, 3 अंडे हो गए यार, 3 अंडे हो गए भाई। ओह माय गॉड, वाओ। तो यार ये अभी इन्होंने इनको सुबह से ला के छोड़ा, तो इन्होंने 3 अंडे दे दिए यार। घर पे जाके क्या करेंगी, मेरे ख्याल से भाई 10 अंडे डेली आया करेंगे हमारे पास, बाजार से अंडा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, और क्या चाहिए हमें। तो दोस्तों इन मुर्गियों को पकड़ के इन टोकरियों में डालने लगा हूँ, ताकि इन्हें घर पे अपने सेटअप पे ले जाया जा सके। तो भाई मैं मनान और उस्मान आ गए हैं, इन मुर्गियों को पकड़ के उन टोकरियों में डालेंगे। पकड़ो यार जल्दी जल्दी जल्दी, मैं भी पकड़ता हूँ। ये पकड़ी 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 पकड़ी, पहली मुर्गी हम डालने लगे हैं जी। ये आ गई, पहली आ गई, दो आ गई, मैं यहाँ पे मुर्गियाँ गिनता हूँ भैया। ओए निकल गई, ओए निकल गई, निकल गई, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों सारी मुर्गियां मैंने इन दो टोकरियों में बंद करके ऊपर बोरे से पैक कर दिया, अच्छे से पैक कर दिया, ताकि यार ये रास्ते में तंगी ना करें। तो इन्हें लेके चलते हैं अपने सेटअप पे, चलो मनान चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार हम लेके आए हैं भाई 10 मुर्गियाँ लेर, तो भाई ये अंडे देती हैं माशाल्लाह हमारे पास, इन्होंने 3 अंडे दे दिए। सुबह मनान लेके आया था, मैंने इसे 2 का कहा था, लेकिन यार माशाल्लाह मनान 10 मुर्गियाँ ले आया हमारे पास, इन्होंने माशाल्लाह 3 अंडे दे दिए, और देखते हैं रात तक कितने अंडे हो जाते हैं माशाल्लाह। तो यार इसे मैं यहाँ से निकालने लगा हूँ, ताकि हमारे दूसरे परिंदे भी इन्हें देखें। मैंने किसी परिंदे को अभी तक नहीं खोला, क्योंकि यार इन्हें पहले मैं छोड़ूंगा छत पर, उसके बाद हम अपने परिंदे खोलेंगे और देखेंगे वो उनका इनके साथ कैसा बिहेवियर होता है। तो भाई इन्हें निकालते हैं पहले। चलो जी, ये माशाल्लाह एक टोकरी में मैंने 5 डाल दी थी, और दूसरी टोकरी में मैंने 5 डाल दी थी। यार इसके नाखून देखो कितनी खतरनाक लग रही है, क्योंकि यार ये फार्म में थी, तो यार फार्म वाले लोग ना ज़्यादातर मुर्गियों का ख्याल नहीं रखते, तो इनके नाखून बड़े हुए हैं। इन्हें भाई आज मैनीक्योर पेडीक्योर भी देंगे, इनके नाखून वगैरह काटेंगे। चलो इन्हें छोड़ देते हैं यहाँ पे, निकल जाओ निकल जाओ, आराम से आराम से आराम से। तो दोस्तों मैंने सारी मुर्गियां निकाल दी हैं माशाल्लाह, यार कितनी प्यारी लग रही हैं। पहले हमारे पास भाई एक भी मुर्गी नहीं होती थी, अब माशाल्लाह से हमारे पास 10 मुर्गियां हैं भाई, पूरी छत पे मुर्गियां ही मुर्गियां हैं। यार एक और मसले वाली बात है, यार मसले वाली बात ये है कि भाई हमारे पास अब 10 मुर्गियां हैं, और लेकिन मुर्गा एक ही है सिर्फ। तो भाई मुर्गे के कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं अब, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। और मनान अपने कबूतरों को और मुर्गी वगैरह को मुर्गे को खोलने लगा। आजा भाई आजा, तेरे लिए 10 मुर्गियां लेके आए हैं भाई, पहले तेरे पास एक भी नहीं थी, अब तेरे लिए 10 लेके आए हैं। आजा आजा भाई राजा, आजा आजा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों मुर्गे को मैंने बाहर निकाल दिया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुर्गा हमारा मस्ती कर रहा है। माशाल्लाह हमारे कबूतर भी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यार इनके पर कटे हुए हैं, इसलिए कहीं उड़ के नहीं जा सकते। यार माशाल्लाह रौनक लग गई है पूरी छत पे, परिंदे ही परिंदे हो गए हैं। पहले कुछ परिंदे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भाई हमारे पास और परिंदे आ गए हैं। तो यार आज जो हम मुर्गियां लेके आए हैं, उससे तो पूरी छत पे रौनक लगी है, बहुत ही प्यारा माहौल है। यार मुर्गा हमारा माशाल्लाह ऐसे फिर रहा है जैसे भाई एक बंदे को 10 बीवियां मिल गई हूँ एक ही टाइम पे। तो भाई मुर्गा हमारा फुल राजी है। यार फिर लड़ रही है गाइनी फॉल्स मुर्गे के साथ, ये फिर लड़ रही थी उस मुर्गी के साथ, बेचारी के साथ। तो यार ये अभी नहीं है, इसलिए इन्हें एडजस्ट होने में मेरे ख्याल से 1-2 दिन लग जाएंगे। तब तक तो भाई चले गए, इन्हें मार पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी। वो मुर्गा भी दूसरी मुर्गी को मार रहा है, असल में उससे चला नहीं जा रहा,
उसके ना पाँव पे नाखून बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो इसीलिए उसे चला नहीं जा रहा, और गाइनीफॉल्स वगैरह उसे बहुत ज़्यादा मार रही हैं, तो इन्हें साइड पे कर देते हैं और इसके नाखूनों को भी ठीक करेंगे। और यार यूसुफ भी आ गया, तो अभी तक उसे पता नहीं है कि हम क्या लेके आए हैं। एक मिनट, तेरे लिए सरप्राइज है भाई। आँखें बंद कर, ये एक मिनट मैं तुझे दिखाता हूँ। यार माशाल्लाह भाई, ये देखो एक मुर्गी लेके आए हम, एक मुर्गी लेके आए बस एक। वो भी है। गैस कर कितनी मुर्गियाँ हो सकती हैं, वो चेक कर कितनी मुर्गियाँ भाई। तू ही कहता था ना मुर्गी लेके आओ, एक कहा था ना तूने, तो भाई हम 10 लेके आए हैं माशाल्लाह। चेक करो, ये मुर्गे नहीं है, मुर्गियाँ हैं। ये लेयर मुर्गियाँ, लेयर ऐसी होती हैं, उनकी कलगी ज़्यादा होती है। माशाल्लाह भाई, अभी इन्हें ला के एक घंटा छोड़ा है अपनी छत पर, और भाई हमारे पास एक और अंडा आ गया माशाल्लाह। सुबह से इन्होंने 4 अंडे दे दिए, 10 मुर्गियों से अभी तक 4 अंडे आ चुके हैं, तो यार उम्मीद है कि शाम तक भाई 6 और आ जाएंगे और 10 पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे पास डेली 10 अंडे आते हैं इन मुर्गियों से, तो इसका मतलब है हमें बाजार से अंडे नहीं लेने पड़ेंगे, तो यार फ्री में हमारा काम हो जाएगा डेली नाश्ते वाला। तो यार ये अंडा देखें भाई, ये क्योंकि उसने ना यहाँ पे ज़मीन पे दिया था, इसीलिए ये टूट गया बेचारा। तो यार कोई मसला नहीं, हमने कौन सा इसमें से बच्चा निकलवाना है, इसे खाना ही है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यार ये ना, इधर आए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस वाले केज में इन्हें बंद करना है, तो थोड़ी सी ना यहाँ पे पराली वगैरह एक्स्ट्रा डाल लेंगे, ताकि यार इनके अंडे का ये हाल ना हो। तो यार हम अपनी मुर्गियों को केज के अंदर बंद करने लगे हैं, क्योंकि यार ये बाहर फिर रही हैं, तो ना यहाँ पे आगे बैठ रही थी एक मुर्गी, तो मैं नहीं चाहता कि यार ये नीचे छलांग लगा दे और बाद में हमें पकड़ने में मुश्किल हो जाए, तो इन्हें मैं बंद करने लगा हूँ। और कल सारा दिन इन्हें ना यहाँ पे बंद करके रखेंगे, ताकि यार ये इन्हें यहाँ पे पता चल जाएगा हमारा घर अब यही है और यहीं पे रहेंगे। फिर हम दोबारा जब इन्हें निकालेंगे, तब ये कहीं पे नहीं जाएंगी, यहीं पे रहेंगी, तो इन्हें पहले बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मास्टर केज में। माशाल्लाह हमारे सारे परिंदे काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्टिव हैं, हमारे चिंटू मिंटू अपनी फेवरेट प्लेस पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारी चाइना डब अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रही है, और हमारे बाकी परिंदे भी माशाल्लाह से हेल्दी और एक्टिव हैं। यार ये होगरों में अभी तक बाहर ही है, क्योंकि यार इसे मैंने कल ही निकाला, अभी कुछ दिन देखेंगे फिर इसे इसके केज में डाल देंगे, ताकि यार ये ब्रीड वगैरह करें। और ऑस्ट्रेलियन पैरट का बच्चा भी माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी है, ठीक है। तो यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।